स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलनी विद दुर्गेश में। आज हम लोग रीजनिंग तर्कशक्ति के अन्य आगे के जो महत्वपूर्ण अध्याय थे उनको हम लोग पढ़ेंगे और परीक्षा में जहाँ से बेहतर स्कोर कर सकें। तो यहाँ पे पहला जो है अनुपातिक रूप से दिया गया, जिसमें हमें संबंध बताना होता है। क्या बताना होता है? संबंध बताना होता है। जैसे घोड़ा का संबंध जिस प्रकार खुर से है, वैसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसका संबंध घोड़ा के खुर के समान है? तो बताइए, जैसे यहाँ पशु का, मनुष्य का पैर, कुत्ता काला, पेन पेंसिल, रुपया, पैसा रुपया। जिस प्रकार घोड़ा जो होता है, घोड़ा खड़ा जो होता है वो खुर पर होता है, माने खुर नीचे होता है जिसमें नाल लगाई जाती है। उस प्रकार जो मनुष्य होता है, जैसे चप्पल पहनता है, तो मनुष्य का संबंध पैर से होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा, जो सही आंसर होगा, वह इस प्रश्न का ए राइट आंसर होगा, ए सही जवाब होगा। इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और आप भी देखिएगा आप कितने में से कितना सही कर पाते हैं। और ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज इलनी विद दुर्गेश पर भी आप देख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसकी स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न है आपके सामने और आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो एल ओ का संबंध पी के से है, वही आर आई आर का संबंध पूछा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एल पहले से डिकोड कर देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा ना। तो एल है हमारा 12 पर, ओ है हमारा 15 पर, पी है 16 पर, के है 11 पर, आई है 9 पर, आर है 18 पर। चलिए देखते हैं यहाँ पे किया क्या है। पहले 12 15, आपको समझ में नहीं आ रहा है 12 15 कैसे है, लेकिन यह है 15 के बाद 16 है, ये क्लियर दिख रहा है। तो अगर हम भी चलते हैं तो 18 के बाद 19 आएगा, ये तो क्लियर हुआ कि 18 के बाद 19 आएगा, 19 पर ये शो। एक विकल्प तो मिल गया, एक विकल्प तो इसका मिल गया। अब हम देखते हैं एल ओ का क्या मामला है। तो अगर हम इधर से अंग्रेजी वर्णमाला जैसे ए बी सी डी इधर से भरते जाएं और इधर यक्स वाई जेड, जिस तरह इधर से 1 2 3 4 24 25 26 होता है, उसी प्रकार उल्टा चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हमारा होगा वाई, ये होगा जेड ना, 1 2 3 इस तरह यहाँ पे आएंगे 23 24 25 26। तो जब यल इधर से, यल इधर से 12 पे है, उधर से आएगा तो 15 पर, तो उधर से उल्टा अगर आएंगे तो ओ जो होगा वो 12 पे होगा, विपरीत दिशा से आएंगे। उसी प्रकार यहाँ पे यस, इधर से यश क्या है 19 पे है, उधर से 19 क्या है 27 में से 19 घटा देंगे, जब 27 में से 19 घटा देंगे आएगा 8, 8 का मतलब क्या होता है यच, मतलब यच होगा इधर से यच 8वें पर, तो यस यच होगा। तो ये हम लोग जब पेड क्लास पढ़ेंगे तो हमें आपको दिखाऊंगा विपरीत किसी का कैसे निकालते हैं। 27 में से घटा देते हैं तो हमें सीधा अंक उसका ज्ञात हो जाता है कि सीधे पर वो क्या आएगा। इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। एक बार आप वीडियो को अगर न समझ में आए तो दोबारा इसको देख लीजिएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब इसे ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि उल्टा जो आता है नीचे से जिसकी गिनती होती है, जैसे जेड 1 पर, वाई 2 पर, एक्स 3 पर, इस तरह से अगर हम आते हैं वापस तो आप देखेंगे इन दोनों का योग 27 होता है, 26 1 27, देख रहे हैं 26 1 27, 25 2 27, 24 3 27, इधर भी देखेंगे 23 4 27, तो मतलब हमेशा विपरीत और सामने के अंकों का योग हमेशा 27 होगा, 27 से घटा देंगे हमें सीधा निकल जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप कर लें, सभी लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कर लिया आपने? चलिए यहाँ पे दो प्रश्न आ गया है, दोनों प्रश्नों को हमें और आपको ध्यान से देखना चाहिए और थोड़ी बातें भी जाननी चाहिए। यहाँ कह रहा है जिस प्रकार रात्रि का संबंध प्रातः काल से है, फिर किसका संबंध यहाँ पे रात्रि काल से होगा। जैसे रात्रि का संबंध प्रातः काल से, अब किसका संबंध रात्रि से होगा। जो लोग लाइव है फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। मैंने आपको कई बार बताया कि टेलीग्राम पे आप, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करके
ई लर्निंग विद दुर्गे से जुड़ सकते हैं। इसकी सभी वीडियो की लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मेरी क्लास की जितनी भी क्लासेज होती है उसकी लिंक सबसे पहले हम टेलीग्राम पर देते हैं। टेलीग्राम पर कोई भी सूचना, कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, इसलिए आप दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे रात्रि का विलोम प्रातःकाल होता है, उसी प्रकार अगर हम दोपहर का तो नहीं होगा, सायंकाल का, यहाँ पे सायंकाल का देखा जाए तो सायंकाल के ठीक बाद क्या आता है, रात्रि आता है। क्या आता है, जैसे रात्रि के बाद प्रातःकाल आता है, वैसे सायंकाल के बाद रात्रि आता है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, डी का राइट आंसर होगा, डी का सही जवाब होगा। मैंने रात्रि के बाद क्या आता है, प्रातःकाल आता है, अभी सायंकाल के बाद फिर रात्रि आती है, एक क्रम यहाँ पे दर्शा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या, इसको डिकोड करना होगा। पहले तो कोडिंग दिख रही है, आप लोग कमेंट करके बताते रहेंगे कि चौथे में क्या होगा। जैसे क्यों यहाँ पे है 17 पे, 20, 21, 9, 12, 13, 2, 5, 6, आप लोग को यही बताना है कि इन दोनों का जो संबंध है वही इसका संबंध क्या हो। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ आप लोग को देखने को समझने को तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे पहले प्लस 3 ऐड किया गया है, फिर प्लस 1, फिर 21 के बाद यू है, यू के बाद आपका आई है, यू के बाद आई, आई किस आधार पर दिए हैं, ये 21 है और ये 9 है, इधर से 21 6 पे है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, प्लस 3, और यहाँ पे 12 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि प्लस 3 और प्लस 1 ऐड कर रहे हैं। अब आगे भी देखते हैं हम लोग क्या होता है, ये 2, 5 माने यहाँ पे भी प्लस 3 ऐड है और प्लस 1 ऐड है, लेकिन यफ के बाद क्या आएगा, यह बड़ी बात है। यहाँ पे आइए देखते हैं, अब विकल्प को हल करते हैं, कौन सा विकल्प ऐसा है। ये देखिए 16, 3, 19, 19, 5, ये गलत है, माने इसमें प्लस 3 है, पहले प्लस 3 ऐड है, फिर 7 प्लस 7 ऐड है, तो ये गलत हुआ। यहाँ पे देखिएगा ये 3 है, ये 6 है, और 6 के बाद 2, 8 है, माने पहले इसमें 3 ऐड है, फिर इसमें 2 ऐड है। ये 23, 3, 26, 23 और 3, 26, माने प्लस 3 ऐड है, प्लस 1 ऐड है, ये तो सही हो गया। आगे भी देख लेते हैं, ये 21, 3, 24, प्लस 3 है, 24, 2, 26, 2, 28, प्लस 4 है, इसका एकमात्र विकल्प सही होगा जो इसके मैच करता है, माने ये सीरीज जो प्लस 3 प्लस 1 की सीरीज जो आगे बढ़ रही है, वही सीरीज यहाँ पे क्या होगी, सही आंसर होगी। तो ऐसा सीरीज कहाँ, ये है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर होगा, प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि यही सीरीज यहाँ पे चल रही है। हमने आपने देखा कि इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प निकला वो सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, सी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे इसको हम लोगों ने हल किया। ठीक है, जो रूल काम किया उसी रूल के आधार पर हम लोगों ने आगे रख दिया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। स्क्रीनशॉट क्लिक हो गया सभी का, चलिए यहाँ पे एक संख्या दी गई है, संख्या के आधार पर अगली संख्या आपको निकालनी है। तो देखिए आप लोग थोड़ा प्रयास करिए, क्या किया है, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस क्या है, तो पहले आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, जो लोग लाइव देख रहे हैं क्या होगा, और ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, इनसे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपके सामने प्रश्न दिया गया है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो होगा यहाँ पे 59, क्या हो जाएगा 59। उसी प्रकार इसमें से भी क्या करेंगे, डिफरेंस जो होगा इसका 59 का करेंगे तो क्या होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 59, तो क्या हो जाएगा आपका
9,579, माने इसमें से भी आपको कितना माइनस 59 किया है, इसमें से भी आप 59 कर दीजिए, इस प्रकार इसका उत्तर रहेगा 9,579। तो 9,579 कौन सा विकल्प है आपका? आपका विकल्प डी है। ऐसा विकल्प कहाँ है? आपका विकल्प डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिएगा, अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लास के नंबर आपके काम आ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर, ठीक है, घर बैठे भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, लेनी भी दुर्गेश के संपूर्ण नोट्स आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन तब तक के लिए आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें सभी लोग, ये प्रश्न हो सकता है आपके काम में आ जाए। चलिए यहाँ पे भी है 64, 144 से फिर 256 क्वेश्चन मार्क है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का जवाब पहले आप दें, जो लोग लाइव है वो फटाफट जवाब दें, बताइए क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न, अगर थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो कर ले जाएंगे। ये 64 जो है ये 8 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, बस यही जोड़ना है। ये 8, 4, 12 का स्क्वायर है तो ये 16, 4, 20 का स्क्वायर होगा। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। आपने देखा कि ये क्या किया है, इसमें प्लस 4 किया है, इसमें भी प्लस 4 कर दीजिए। ठीक है, 64 जो है 8 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर, 256 16 का स्क्वायर है, तो अगला 4 20 का स्क्वायर, मैंने 400। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शीश का राइट आंसर, शीश का सही जवाब होगा। ठीक है, लेकिन अगला प्रश्न जो आपको है सातवां, आपको बताना पड़ेगा, कमेंट करके जवाब भी देना पड़ेगा, बताइए आप लोग। सातवां प्रश्न तो आपको हर हाल में बताना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सातवां नहीं बताएंगे तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई औचित्य नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। बताइए सातवां क्या, कमेंट करिए सभी लोग, जो लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दिए, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, पैसे शेयर करने और लाइक करने के नहीं कटेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब मत करिए, बेल आइकन मत दबाइए, लेकिन लाइक और शेयर कर दिए, लोगों तक पहुँचाइए। देखिए 8 जो है, देखिए किसी की क्यूब अगर यहाँ पर हम देखें, ये दोनों स्क्वायर के नज़दीक लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, दिखा आपको। वैसे 15 क्या है? 4 का स्क्वायर माइनस 1, फिर 4 का क्यूब प्लस 1, तो क्या होगा? 4 का क्यूब क्या होगा? 64 + 1 = 65। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर। कुछ लोगों ने सही बताया था, तो जिन लोगों ने सही बताया था उनके विकल्प तो सही हैं, जिन्होंने नहीं बताया था वो हमेशा ध्यान रखते रहें, वर्ग और घन तो एकदम रट्टा मार दें, क्योंकि अगर वर्ग घर आप एक बार वर्ग और घन को रट लेते हैं, जैसे हमने रटा है, कोडिंग डिकोडिंग अगर पूरा रट लेते हैं, तो ऐसे प्रश्न कभी आपसे गलत नहीं होते। और इसका एकमात्र यही तरीका है कि जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना बेहतर आप स्कोर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, चलिए आगे बढ़ते हैं, हल भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आठवां प्रश्न है आपके सामने और सरल भी दिख रहा है, तो चलिए डिकोड करते हैं इनको। सबसे पहला काम डिकोड करते हैं, ये हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 26, 24 और 22, 20। देखिए एक चीज़ हमने पकड़ लिया, आप बताइए क्या होगा, मैं उसे लिख दे रहा हूँ लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा। 8, 10, 12, 13, आप लोग ध्यान से बताइए क्या होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। आप लोग को तो बताना चाहिए, जवाब तो पक्का देना चाहिए इसका, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना चाहिए, सभी लोग को, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं उन सभी को प्रश्न का जवाब जरूर देना चाहिए। देखिए क्या क्या है इसमें, देखिए इन दोनों का योग 27 है, इसका मतलब विपरीत है, देख रहे हैं ना, 3 का विपरीत ये उल्टा पे 27, देख रहे हैं 24, 3, 27, 22, 5, 27 और देख रहे हैं 7, 20, 27। इसी तरह 8 में क्या जोड़े 27 हो जाए, तो पता चला 8 में आप 19 जोड़ दीजिए, 10 में क्या जोड़े 27 हो जाए 17 जोड़ दीजिए, 12 में क्या जोड़े 15 जोड़ दीजिए, 13 में क्या जोड़े 14 जोड़ दीजिए। अब इनको डिकोड करिए, ये होगा यस, 17 पे होगा क्यू, ओ होगा 15 पे होगा ओ, 14 पे एन, तो यही मिला आपको एस क्यू ओ एन, कहाँ पे है ये, यस क्यू ओ एन, यस क्यू ओ एन कहाँ पे है, कौन सा विकल्प है, ज़रा फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए कौन सा विकल्प होगा। वीडियो को अगर
शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, फॉलो करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? डी राइट आंसर। डी क्या होगा इसका सही जवाब? क्लियर? यहाँ पे उल्टा किया, उल्टा क्या होता है, जैसे इधर से ए है तो इधर से जेड है, इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा? हमेशा 27 होगा। कोई भी संख्या, कोई भी ले लीजिए, चाहे इधर से एल हो उधर से ओ, इनका भी योग क्या होगा? 27। हमेशा उल्टा जब योग करते हैं तो हमेशा 27 आता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, ऑक्सीजन का जलानत कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? फटाफट कमेंट करें, जवाब दीजिए क्या होगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, और टेलीग्राम पे जितने लोग जुड़ गए ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं सभी को टेलीग्राम पे जुड़े, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर फेसबुक पेज, ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम, ई लर्निंग विद दुर्गेश ट्विटर, ई लर्निंग विद दुर्गेश यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। देखिए जिस प्रकार ऑक्सीजन कम जलाना होता है, ये दहनशील गैस है, उसी प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बहुत लोगों ने सही बताया है जी, ये होता है O2 और ये होता है CO2। ये क्या करता है? ये आग बुझाने का काम करता है, ये आग बुझाने का काम करता है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? शीर्ष प्रश्न का राइट आंसर होगा, शीर्ष प्रश्न का सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर लीजिए, हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। देखिए आगे का जो प्रश्न है उसमें से थोड़ा सा आपको बदलाव दिख रहा होगा कि प्रश्न संख्या 10 से 18 तक चुनिए जो अंत 3 से अलग है। आइए हम अलग प्रश्न को चुनते हैं, मतलब इसमें डिफरेंट कौन, मैंने 3 विकल्प इसी तरह आपस में मैच कर रहे हैं, एक अलग है वही आपको अलग बताना है। चलिए इसको डिकोड करेंगे, सबसे पहला काम डिकोड कर दिया करिए। डिकोड जैसे करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हो जाएगा 2, 5, 8, ये हो जाएगा आपका 3, 6, 9, ये हो जाएगा 4, 7, 10, ये हो जाएगा 5, 8, 12। अंतर देखिए यहाँ पे +3 और +3 है, यहाँ पे हमने देखा +3 +3 है, यहाँ पे देखिए 4, 3, 7 +3 फिर +3, यहाँ पे हमने देखा +3 +4। अब आप बताइए इसमें डिफरेंट कौन है, अब आप कमेंट करके बताइए डिफरेंट कौन है, तो आपको पता चल गया। अब ये डिफरेंट जो तो चौथा है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर। डी क्या होगा इसका सही जवाब? क्लियर? अपने आप पता चल गया डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि आपके साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि जो डिफरेंट है वही हमको बताना था। क्लियर हुआ? कोई डाउट की समस्या? हाँ, मैंने देखा आप लोग उत्तर सही बता रहे थे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सेम तरीका है, सेम पैटर्न है, यहाँ पे भी आपको बताना है कि कैसे इस प्रश्न को हल किया जाए। यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं। डिकोड करते हैं पहले, 8, 9, 22, 23 एम माने 13, 11, 12, 14 ये गड़बड़ लगा, यहाँ देखिए ई 5 पे है ना, तो 5, 6, 15, 16 सी 3 पे 3, 4, 25, 26 आप कमेंट करके बताइए कौन सा विकल्प डिफरेंट निकला, मुझे तो पकड़ में आ गया, आप बताइए। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे देख रहे हैं, सब में एक 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 का अंतर है, देख रहे हैं ना, केवल एक विकल्प ऐसा है जिसमें ऐसा नहीं है, वो कौन सा है? वो विकल्प बी है, वो विकल्प आपका बी है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? बीस का राइट आंसर होगा, बीस का सही जवाब होगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत कोई समस्या? यहाँ पे देख रहे हैं पहले यहाँ पे -2 किया है फिर +2 किया है। क्लियर? कोई समस्या कोई डाउट नहीं है ना, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, बताते रहे कमेंट करके, कोई दिक्कत कोई डाउट कोई समस्या? चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, हम स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। चलिए
यहाँ पे दो प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं और काफ़ी आसान प्रश्न है। 35 है, 23 है, 37 है, 19 है, अब आपको ये बताना है किसका कौन सा विकल्प सही होगा। फटाफट कमेंट करेगा सभी लोग, हम जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर, सभी बता लेंगे जी। ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, इन सभी के विषय में जानकारी ले सकते हैं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप लोगों ने एकदम सही बताया 12 का, ये होगा 35, क्योंकि 35 क्या है, एक भाज्य संख्या है। बाकी जितनी भी है, चाहे 23 ये भी अभाज्य, 19 भी अभाज्य और 37 भी अभाज्य, तो इसमें जो भाज्य है वो 35 है, इसलिए इसका उत्तर आपको पता चल गया कि इसका उत्तर क्या हो। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी एकदम आसान है, तो आप पहले जवाब दीजिएगा क्या होगा। 13 का पहले एक बार आप लोग क्लियर करके बताइए क्या होगा, और टेलीग्राम पे सभी लोग जुड़िएगा दुर्गेश्वर सर्च करके, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी होगी, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्लास की लिंक होगी, चाहे इसकी जिसे क्लास खत्म होने के बाद जो PDF होगी वो केवल केवल आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी या फेसबुक पेज ही लेनी पे दुर्गेश पे। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसका 4 × 3 = 12 हो रहा है ना, 3 × 2 कर रहा है, यहाँ पे देखिए 8 × 2 = 16 कर रहा है ये। चलिए और कुछ देखते हैं, अच्छा डिफरेंस निकालते, एक मिनट देखिए डिफरेंस इन दोनों का, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 8 का है, इनमें 8 और 16 में यहाँ भी 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 14 24 यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 6 14 यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है। तो बताइए तीन विकल्प ऐसे हैं जिसमें 8 का डिफरेंस है, एक विकल्प ऐसा है जिसमें 10 का डिफरेंट है। अब आपको अंदाज़ा लग गया कि इस विकल्प का, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कौन सा है और क्यों है, इसका उत्तर क्या होगा, सी होगा, शीश का राइट आंसर होगा, शीश का सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं अभी समझ में आपको आ गया होगा, आपने भी इसे हल कर लिया, कोई डाउट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। बस मेरा उद्देश्य भी यही है कि हमें आपके सिलेक्शन तक ले जाना है और हमें पूरा प्रयास करना है कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई समस्या ना आए पाए, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। आगे बढ़ रहे इसकी स्क्रीनशॉट चाहें तो अपने पास सुरक्षित रख लें, अन्यथा मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। ठीक है, यहाँ एक प्रश्न आपको दिख रहा है, 62 26 29 83 44 44 71 37, बहुत ही आसान प्रश्न है, हमें ये देखना है सबसे पहले जवाब कौन देता, बहुत ही आसान प्रश्न है, मैंने इससे आसान प्रश्न तो मैं मान ही नहीं सकता, इससे आसान प्रश्न कोई हो सकता है, बताइए फटाफट, सभी लोग फटाफट कमेंट करें यार, वीडियो को शेयर तो कर दीजिए, विद्या माई कसम में जितने लोग वीडियो को देख रहे सभी लोग शेयर करें, और हर बार अपने सभी साथी मित्रों को वीडियो को देखने के लिए बताएं, लाइक भी करते। देखिए ये 62 को पलट दिया तो 26 हो गया, जैसे ऐसे होता है ना, 62 इसको पलट दिया तो क्या हो गया, पहले 2 लिखा फिर 6, 26 हो गया, उसी प्रकार 3 और 8 को पलट दिया 83 44 को, लेकिन ये नहीं पलटेगा, अगर ये पलटा तो 17 होता ना कि 87, इसका विकल्प क्या होगा, डी, आपने एकदम सही बताया, आपने एकदम सही बताया था, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, डी का राइट आंसर होगा, डी का सही जवाब होगा। क्लियर, कोई डाउट किसी को, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न फिर आपके सामने आ चुका है और आपको दिखाई दे रहा होगा, सितार, वायलिन, मुरली बांसुरी, बेड़ा, इसमें क्या अलग है, सभी लोग फटाफट बताएं, ऐसे प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है, सभी लोग बताएं, जवाब सभी लोग को देना चाहिए, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। देखिए इसमें जो मुरली या बांसुरी है इसे फूंक मारकर हवा से बजाते हैं, मुंह से बजाते हैं, फूंक मारकर हवा से, जबकि ये सभी क्या है, चाहे सितार की बात करें चाहे वायलिन की बात करें, ये सब तार लगे वादन होते हैं, ठीक है, इन सभी को हाथ से बजाया जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, उम्मीद करते हैं ऐसा आपको कोई डाउट नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, अग्रसर हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि नदी, बांध, पर्वत, जंगल, बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 में देखना यह कि कौन सबसे पहले बताता है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें बताएं।
सभी लोग जो लोग भी देख रहे हैं। देखिए अगर आप प्रश्न का जवाब देते हैं तो ये क्लियर हो जाता है हमें और आपको कि आपने कितनी रुचि दिखाई, कितने प्रश्न आपने सही किए। देखिए यहाँ पे नदी पर्वत कुछ लोग जंगल बता रहे हैं। देखिए इसका उत्तर मैं आपको बता दूँ, जैसे आप भले ना बताएं, ये बांध होगा। पता है क्यों? बताइए आप लोग। क्योंकि बांध को मनुष्य बनाता है और ये सभी नदी प्रकृति से, पर्वत प्रकृति से, जंगल प्रकृति से, लेकिन बांध जो है ये मनुष्य नहीं, माने ये कृत्रिम होता है। बाकी सभी प्राकृतिक है। नदी प्रकृति है, भगवान ने बनाया है, पर्वत ने, जंगल जिसे हम कहते हैं भगवान ने बनाया है, वो प्राकृतिक हो गई, लेकिन जिसे मानव ने बनाया है वो कृत्रिम हो गई। इस प्रकार इसका उत्तर जो होगा वह शी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप चाहें तो इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट लेकर अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस पर, फेसबुक पर, जहाँ भी चाहें आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कह रहा है स्पर्शजा, स्पर्श रेखा, वृत्तांश, त्रिज्या, विकर्ण। आपको यही बताना है इसमें क्या डिफरेंट है। सभी लोग फटाफट बताइए, सभी लोग बताएं। देखिए स्पर्शजा, स्पर्श रेखा, त्रिज्या, वृत्तांश, ये तीनों वृत्त का हिस्सा है, सर्कल जिसे कहते हैं। जबकि विकर्ण जो है ये चतुर्भुज में आता है। कहाँ आता है? चतुर्भुज। कहाँ आता है? चतुर्भुज में आता है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। चलिए एक आखिरी प्रश्न है, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। इसमें आप लोग फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, ये आज का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद आप लोग सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो फटाफट वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर देंगे। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। जितने लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया, भगवान करे दिन दोना रात चौगुना आगे बढ़ते रहें और जल्दी से सरकारी नौकरी करें। और लाइक करने वाले ज़िंदगी भर ऐसे ही करते रहें। अगर कोई मेहनत से पढ़ा रहा है तो उसकी कमियाँ बताना चाहिए, न किस तरह से सफलता करनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और टेलीग्राम पे सभी लोग दुर्गेश्वर सर्च करना, उसे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। और ई लर्निंग भी दुर्गेश से जुड़ेंगे, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ई लर्निंग भी दुर्गेश है, 6344367 पर। यहाँ पे व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, इनकी जानकारी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको उत्तर पता हो गया, सभी लोगों ने बताया ये क्यों, क्योंकि ये वॉवेल है। ये क्या है? वॉवेल है। बाकी सभी कॉन्सोनेंट हैं। बाकी सभी क्या है? कॉन्सोनेंट है। और इनकी संख्या कितनी होती है पूरे वर्णमाला में? ये होते हैं 5। ये कितने होते हैं? 5। और ये कितने होते हैं जो कॉन्सोनेंट होते हैं? वो 21। टोटल कितने होते हैं? 26। टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। क्या होते हैं? 26। ठीक, कितने होते हैं? 26। इस प्रकार यह जो सीरीज थी वो पूरा ख़त्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी लोगों को समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे भी चल रहा है इलेनी बदुर्गेश पर, और वहाँ भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत अच्छा लगा, तो चलते हैं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।